हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे पास जो है कई बार फोन आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि ये दुपट्टा हमें बताओ लगाना। तो आज मुझे याद रह गया, वैसे याद नहीं रहता, यहाँ कोई होता नहीं है मेरे आसपास। तो ये देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले दुपट्टे को ना इतना सा जो है ना फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और ऐसे पकड़ के ना इसको रस्सी को और उन दोनों को इस तरीके से पिन लगा देंगे, ठीक है। अब फिर इसको यहाँ से फिर ऐसे डबल किया और इसको हाथ में ऐसे रख लिया और ये देखो ऐसे अंदाजा ले लिया कि हाँ यहाँ पर सेफ्टी पिन ऐसे पकड़ के लगा दिया, ठीक है। पहले मतलब इस साइड लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखो दोबारा इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड इसलिए करना है कि चुन्नी फट ना जाए। तो ये देखो, ये अब इसको ऐसे लगाते जाएंगे, दो जो इधर की साइड और इधर की साइड लगानी है ना, वो तो एक बार ऐसे ही लगानी है। फिर जो बाकी की दो साइड लगानी है वो थोड़ी खींच खींच के लगानी है। पहले तो ऐसे लूज लूज लगाते जाओ। ये आप सारी वीडियो देखो, सारा ही दुपट्टा लगाना आपको बता देती हूँ। देखो अब ये इस साइड सारा हो गया। अब मैं उठकर इस साइड आती हूँ और ये देखो, अब इसको ना मैं ऐसे धीरे धीरे पकड़ती जाऊंगी दुपट्टे को और लगाती जाऊंगी। अब देखो, बस इसको ऐसे धीरे धीरे पकड़ते जाओ और लगाते जाओ। ये पिन को लिया, ये देखो, ये जो है ना टैबी सिल्क का दुपट्टा है। आज मैंने भी ब्लैक सूट पहना है और ये दुपट्टा भी ब्लैक कलर का है। हाँ जी देखो, अब ये मैं ऐसे लगाती जा रही हूँ, मतलब गैप कोशिश मतलब ये करनी है, जैसे ये चार उंगली का गैप है ना, तो चार उंगली का ही रखना है। और ये तो आपको अपने आप पता ही लग जाएगा, अभी चुन्नी लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगी भी चुन्नी कितनी चौड़ी है, उस हिसाब से जो है ये लगाते जाएंगे। अब देखो ये लगभग पूरा होने वाला ही है, ये 2.5 मीटर दुपट्टा है, ये बड़ा दुपट्टा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो अपने सॉफ्टली लगा दिया। अब जो इस साइड लगाना है ना, इस साइड दुपट्टे को थोड़ा सा ना खींच के लगाना पड़ेगा, जैसे यहां से थोड़ा खींचा, ये देखो नजदीक से देखो आप, ये देखो, ये देखो आप नजदीक से, ये ऐसे किया और ऐसे, ये बेटा इधर इधर दिखना क्लोजअप, इधर आओ, ये देखो, ये यहां पर इसको कपड़े को पकड़ा डबल करके ऐसे किया, इसको ना जैसे ऐसे थोड़ा खींच लेना है, इतना भी मत खींचना कि दुपट्टा जो है फट जाए, क्योंकि सॉफ्ट। अब देखो इधर थोड़ी सी खींच भी आनी चाहिए ना, ये देखो, बस इसको ऐसे थोड़ा डबल किया कपड़े को, थोड़ा सा डबल करके और इस तरह खींचते जाओ, ये देखो, जब मैं शुरू शुरू में ये पेंटिंग करने लगी थी तो मैं जो है ना फ्रेम पर ही करती थी। फ्रेम पर थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता था, पर फ्रेम पर सफाई ज्यादा आती है। तो मैं मुझे कईयों के पास पता था, अड्डे हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो मैंने उनसे भी पूछा था मुझे प्लीज बता दो, मुझे किसी ने भी पेंटिंग के मामले में कोई हेल्प नहीं की। बस ऐसे ही रुल खुल के मैं सीखी हूँ पेंटिंग। और ये देखो अब मैं ना इसको खींच खींच के लगा रही हूँ, इसे दुपट्टे को खींच के, ताकि टाइट हो जाए और बढ़िया पेंटिंग होगी फिर ऐसे। और फिर अगर कहीं से लगे ना लूज हो, लूज लग रहा है, तो पिन खोल खोल के जो है ना दोबारा हम टाइट करते जाएंगे। ये देखो, ये आपके सामने है, देखो दुपट्टा,
जहां आपको लगे कि लूज है, कहीं से उधर से टेढ़ा मेढ़ा लगे, तो वो दोबारा से आपको जो है ना, बस ये है कि इसका गैप सेम होना चाहिए। अगर वहां हमने थोड़ा गैप रखा है और इधर ज्यादा रखा है, मैंने इस उस साइड कम गैप इसलिए रखा है, इधर ज्यादा इसलिए रखा है, क्योंकि तो मुझे उधर उधर जो पेंटिंग ज्यादा करनी है और इस साइड जो है ना कलियां करनी है, ताकि मुझे फिर उधर आसानी से बैठा जा सके। बस ये 2-3 पिंच रह गई और आपके सामने ये मैंने लगा दिया है। तो ये हमारा जो दुपट्टा है वो कंप्लीट हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स फॉर